रात में शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए? मित्रों, शमशान घाट का नाम लेते ही हमारे मन में अजीब तरह का भय होने लगता है। इस जगह के बारे में बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि शमशान घाट को रात में नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे में क्या आप लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि रात के वक्त शमशान घाट जाने से मना क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है या कोई डर है जिसकी वजह से लोग इस स्थान पर रात को जाना नहीं चाहते हैं? तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि रात में शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। मित्रों, हिंदू धर्म में शमशान घाट वह जगह होती है जहां पर मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन रात के समय में शमशान घाट जाने पर सख्त मनाही है, जिसका कारण हमारे धर्म शास्त्रों में से एक करुण पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। दरअसल शमशान घाट पर अघोरी और तांत्रिकों का जमावड़ा होता है, और जिस वक्त हम लोग गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं उस वक्त शमशान घाट पर कई प्रकार की खतरनाक एवं भयानक अघोरी एवं तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के तंत्र साधना करते हैं। यहाँ पर अघोरी तांत्रिक मुख्यतः तीन प्रकार की साधनाएं करते हैं, जिसका नाम है शमशान साधना, शिव साधना एवं शव साधना। यहाँ सभी साधनाएं काफी भयानक होती हैं, इसलिए आम लोगों को इस स्थान पर जाने के लिए मना किया जाता है। कहा जाता है कि शमशान घाट पर कई प्रकार की बुरी आत्मा एवं प्रेतों का भी वास होता है, इसलिए आप लोगों को रात के समय में इस जगह से दूर ही रहना चाहिए, अन्यथा किसी बड़े संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। शमशान घाट से जुड़े धार्मिक कारण। शमशान घाट से जुड़ा एक अहम धार्मिक पहलू ये भी है कि हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों में भगवान शिव और माता महाकाली को शमशान घाट का देवता माना गया है। इस जगह पर महादेव भस्म लगाए हुए ध्यान में लीन रहते हैं। वहीं इस स्थान पर मां काली बुरी आत्माओं पर बुरी नजर रखती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव मृतक को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, और इस प्रक्रिया में कोई भी विपरीत शक्ति प्रभावित करने की कोशिश करती है तो उसे माता काली के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि रात्रि में शमशान घाट से गुजरने से मना किया जाता है। जिसकी कुंडली में ग्रहण योग हो और जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो उसे बुरी आत्माएं प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को रात के वक्त शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। मित्रों, कुछ लोग इस बात को पूरी तरह से अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक कारणों के अलावा इससे जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी हैं, जो ये कहती हैं कि रात के समय कुछ नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा सक्रिय और शक्तिशाली हो जाती हैं, और जो भी इंसान ज़्यादा भावुक और मानसिक रूप से कमजोर होता है उन पर शक्तियों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। शमशान घाट जाने से क्यों डरते हैं लोग? जो व्यक्ति अकेले रहते हैं, जिन्हें ज्यादा सोचने की आदत होती है, ऐसे व्यक्ति यदि रात के वक्त शमशान घाट के पास से होकर गुजरे तो ये शक्तियां उन पर भी प्रभावित कर सकती हैं। जब कोई व्यक्ति इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो वह अपना खुद का नियंत्रण खो बैठता है और वह उसके वश में हो जाता है। कभी भी खुशबू एवं इत्र का इस्तेमाल करके शमशान घाट वाले जगहों से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि ये खुशबू इन नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है और उस व्यक्ति को अपने वश में करने की कोशिश करने लगती है। इन सब बातों से हमें विश्वास हो जाता है कि इस सृष्टि में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं, और हमारे जीवन में सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और हमें जीवन में सकारात्मक शक्तियों के साथ जीना है, तो इसलिए बिना वजह शमशान घाट जाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके अपना और दूसरों का ख्याल रखें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें।